नमस्कार प्यारे साथियों, टारगेट मिथालोग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं रवि तिवारी। कैसे हैं आप लोग? आज फिर हम लोग रटलो लेकर आए हैं, लेकिन आज रटलो पढ़ने का हमारा जो तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। आज 75 वर्ष भर के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 75 क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, रैपिड फायर टेस्ट की तरह। मैंने आप लोगों को जो करंट अफेयर्स पढ़ाया है क्लास में, जो करंट अफेयर्स पढ़ाया है उसी में से 75 प्रश्न आपको ऐसे चुन के लाया हूं जिसमें से लगभग लगभग प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलने की संभावना है या इनकी परीक्षाओं में मिलने की प्रायिकता बहुत अधिक है। आइए शुरुआत करते हैं। आज आप लोगों को क्या करना है, आज मैं व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि इन प्रश्नों में आज आपको टेस्ट देना है, इसलिए व्याख्यात्मक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। मैं जल्दी से 75 प्रश्न आपको हल कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ प्रश्न ऐसे हैं कि इनके आसपास की डिटेल्स को आप देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कर सकते। हो सकता है कि 75 में से कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाए, अति संभावित महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों की यह श्रृंखला है। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक दो संस्था से संबंधित सूचनाओं को आपको दे दूं और फिर तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीन योजनाओं पर संस्था इस समय काम कर रही है आपके फोन को लेके। एक तो यूपीएसआई बैच में लगातार एडमिशन चल रहे हैं और कल प्रातः काल से इसमें कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। क्लियर है? कल प्रातः काल से कक्षाएं मिलनी आपको प्रारंभ हो जाएंगी यूपीएसआई बैच में। सभी लोगों को धीरे धीरे जोड़ा जा रहा है लॉगिन आईडी पासवर्ड से, आज रात तक की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दूसरा, जो लोग यूपी टेट वाले हैं, यूपी टेट के लिए नया बैच 6 तारीख से स्वतंत्र बैच हम लोग लेके आ रहे हैं। स्वतंत्र बैच, एकदम नया प्रारंभ से स्वतंत्र बैच जो यूपी टेट वाले हैं 6 तारीख से, वो नीचे दिए हुए नंबरों पर डिस्क्रिप्शन पर संपर्क करना धीरे धीरे प्रारंभ कर सकते हैं। अभी चूंकि यूपीएसआई पे फोकस है और वहां पर प्रवेश प्रक्रिया अभी भी जारी है, अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा, आप में से कितने लोग बिहार वाले हैं कमेंट करिएगा, क्योंकि बिहार में भी आप देख रहे हैं कि एसआई की वैकेंसी आई है। आप में से कितने लोग बिहार वाले हैं कमेंट करिएगा, क्योंकि बिहार में भी आप लोग देख रहे हैं कि एसआई की वैकेंसी आई है। तो संस्था की बिहार एसआई पर भी एक संपूर्ण योजना है। कल बिहार एसआई पर संपूर्ण योजना को हम लोग आपको बताएंगे कि क्या हमारी आपके लिए योजना है। जब तक आज जितने लोग बिहार के हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर करें कि सर हम लोग बिहार के हैं। आइए, तो ये तीन महत्वपूर्ण, ये आने वाला है, चल रहा है, प्रवेश क्रिया प्रारंभ है और इसके बारे में कल आपसे संस्था के सदस्य आपसे बात करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, और यहां पर पहले प्रश्न से मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं आपके। आइए, ये है यूपीएसआई में चूंकि प्रवेश चल रहा है, यूपीएसआई का एंट्री नंबर है, आपको एंट्री व्हाट्सएप लिख के भेजना है और आप प्रवेश प्रक्रिया में अभी भी जो है शामिल हो सकते हैं, प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो डिटेल चल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं वहां पर कॉल करके भी आप प्रवेश प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए, तो आइए पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय में किस देश के वैज्ञानिक ने अल्जाइमर के निवारण हेतु वैक्सीन के एक नए प्रसंस्करण की खोज की, है ना? तो हमारा उद्देश्य क्या है इसका विषय, अल्जाइमर के निवारण हेतु वैक्सीन की खोज। तो इसका सही उत्तर होगा आपका किस देश ने, अमेरिका ने, अमेरिका ने। दूसरा प्रश्न, अब तेजी से आप लोग भी उत्तर करें, आप लोगों के उत्तर आज ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। किस राज्य में स्थित CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने, कौन सा संस्थान, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने फसलों के अवशेष पराली से बायोडीजल बनाने की तकनीक तैयार की, हिमाचल प्रदेश, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, यह है हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान। आइए, तो यहां पर आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। तीसरा प्रश्न आपका, तेजी से चलिए, नैस्डेक की प्रेजिडेंट है ना एडिना फ्रीडमैन, तो एक तो एडिना फ्रीडमैन को मिला ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड, तो एक व्यक्ति तो ए है, और आपसे पूछा गया इस प्रश्न में कि इनके अलावा जिन दो व्यक्तियों को चुना गया था तो इसमें से एक व्यक्ति तो आपकी एडिना फ्रीडमैन है और दूसरी व्यक्ति कौन है, तो दूसरे व्यक्ति हैं सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि सुंदर पिचाई किस पद पर आसीन है। इसका सही उत्तर होगा सुंदर पिचाई, क्यों, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए दो लोगों को चुना गया, ये पहले और ये दूसरे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
वर्ष 2019 को मनाए जा रहे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है बच्चों को फील्ड में नहीं बल्कि अपने सपनों पर काम करना चाहिए। क्या है बताइए? बच्चों को फील्ड में नहीं बल्कि अपने सपनों को काम करना चाहिए। मुख्य विषय को हम लोग थीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थीम भी कहते हैं। तो किसकी थीम? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है उसकी थीम क्या थी? तो बच्चों की फील्ड में, बच्चों को फील्ड में नहीं सपनों पर काम करना चाहिए। आइए पांचवा प्रश्न। हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर स्वदेश विकसित, मतलब अपने देश में विकसित, क्या नाम क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफल परीक्षण किया, और इसका सही उत्तर है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा। आइए, कुछ समय से यह द्वीप प्रमुख वैज्ञानिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। आइए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 17वें लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है? श्री वीरेंद्र कुमार जी को, श्री वीरेंद्र कुमार जी को, और ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद है। कहां से? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद हैं और इन्हें प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। आइए छठवां, सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2019 जारी की गई। इस सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को स्थान प्राप्त हुआ? भारत से केवल एकमात्र खिलाड़ी है विराट कोहली। किसको? विराट कोहली को यहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत से यह एकमात्र खिलाड़ी है जो इस सूची में है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है आपका आठवां। लिखा है, किस देश की सरकार ने नकली दवाओं के उभरते बाजार पर अंकुश लगाने हेतु स्थानीय स्तर पर बेची जाने वाली सभी दवाओं पर बार कोडिंग को अनिवार्य करने की योजना बनाई, और ऐसा करने वाला विश्व का देश है भारत? इनमें से कौन है? भारत। तो भारत ने नकली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए बार कोडिंग जैसी व्यवस्था का प्रारंभ किया है। आइए नौवें प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 से 9 जून 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव और श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहे, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मालदीव की राजकीय यात्रा पर गए, सही है। दूसरा, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ निशान निजामुद्दीन, ये गलत है क्योंकि ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा, वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं, सही है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है और दूसरा बिल्कुल सही नहीं है, इस पर हम लोग एक बार और चर्चा कर चुके हैं रट लो में। आइए, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री कोर्नाट के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की गई? और आपका सही उत्तर होगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय। आइए, NPP नेशनल पीपल्स पार्टी। केंद्र सरकार ने आम बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार ब्याज दर छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 3.5 लाख कर दी है। कितनी कर दी है? 3.5 लाख कर दी है। आइए 12वां प्रश्न है, किस योजना के जरिए देश में करीब 100 नए क्लस्टर बनाने की घोषणा आम बजट 2019-20 में की गई? तो इसका सही उत्तर है आपका स्फूर्ति। 100 नए क्लस्टर, किस, कौन सी योजना? स्फूर्ति। आइए 13वां प्रश्न है आपका, आम बजट 2019-20 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया? बताइए, मैंने बजट के जो नोट्स आपको भेजे हैं डिस्क्रिप्शन में लगाए थे, उनमें सब जानकारियां मैंने समाहित की है। बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा 13वें प्रश्न का? तेजी से बताएं 3.19 लाख करोड़ रुपए। कितना? 3.19 लाख करोड़ रुपए। इसका ये आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, 14वां प्रश्न है। आइए यहां पर, आम बजट 2019-20 में किसके लिए एक नया DD चैनल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है? बताएं, 14वें का आंसर आपका क्या हो गया? किसके लिए एक नया चैनल करने का प्रस्ताव किया गया 14वें में, बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा स्टार्टअप के लिए, बिजनेस स्टार्टअप के लिए एक नया चैनल शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। आइए, भारत की पहली IPS अधिकारी कौन है जिसने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट
डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, बताएं। इनका नाम अभी आपने देखा होगा, काफी चर्चा में रहा है, ये सुर्खियों में रही है। बताइए ऐसा करने वाली पहली आईपीएस अधिकारी कौन है। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं ताकि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ सके। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, इसका उत्तर होगा अपर्णा कुमारी। पंजाब सरकार की सर्वत सेहत बीमा योजना के तहत 43.18 परिवारों को कितने रुपए प्रति परिवार की दर से बीमा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो पहले देखिए दो बात समझ लीजिएगा, सर्वत सेहत ये बीमा योजना किससे संबंधित है, पंजाब सरकार से संबंधित है, क्लियर। अब इसका उत्तर दे दीजिए आप लोग 16वें प्रश्न का क्या होगा बताइए। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 5 लाख रुपए वार्षिक। क्या होगा बताइए, 5 लाख रुपए वार्षिक। 17वां, किस बैंक का संचालन आरटीआई तथा सीवीसी के निर्देशानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए बताइए, किस बैंक का संचालन आरटीआई तथा सीवीसी के निर्देशानुसार किए जाने का निर्णय लिया गया है, पता है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, तो इसका सही होगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एवं कश्मीर बैंक। जम्मू एवं कश्मीर में इस समय आप देख रहे हैं एक अलग ही तरीके की निगरानी है, तो आपका उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक। आइए, किस देश ने वैश्विक शक्तियों के साथ किए परमाणु समझौते के तहत तय की गई संवर्धित यूरेनियम भंडारण की सीमा तोड़ दी है बताइए। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर आपका यहां पर क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा आपका ईरान। क्या होगा, ईरान, ध्यान रखिएगा। और ईरान लगातार इसके लिए चर्चा में बना हुआ है, आप लोग उत्तर करें तेजी से। 19वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी विश्व कप में 500 रन और 10 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी बना। अभी आपका जो 12वां संस्करण हुआ है उस 12वें संस्करण से प्रश्न आपसे पूछा गया है, और मैंने जो खेल के नोट्स आपके लगाए थे उस खेल के नोट्स में भी मैंने इस प्रश्न की चर्चा की थी। आप लोग उत्तर दें 19वें प्रश्न का बताइए, 19वें प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन इस उपलब्धि को हासिल करने वाले खिलाड़ी बने, और उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया, उन्होंने 500 रन भी बनाए और 10 विकेट भी लिए, और बांग्लादेश को काफी हद तक वो आगे ले गए। आइए, विश्व भर में विलुप्त हो चुकी लंगूर की एक प्रजाति चम्बा सेक्रेट लंगूर, मैंने जो नोट्स दिया है उसमें इसकी चर्चा है, किस राज्य से फिर से पाई गई चम्बा सेक्रेट। देखिए अगर आपसे एक प्रश्न पत्र में इतना ही पूछा गया है कि चम्बा सेक्रेट किसकी विलुप्त प्रजाति है, तो सबसे पहले याद रखिएगा लंगूर की, है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 20वें प्रश्न का उत्तर बताइए कि ये लंगूर की जो प्रजाति है ये कहां पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। फिर से कहां पाई गई, हिमाचल प्रदेश में फिर से पाई गई। आइए, 21वां प्रश्न है आपका, बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खदान की खोज कहां की गई। अभी हाल ही में आपने देखा कि बांग्लादेश में पहली लौह अयस्क की खदान मिली है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मुद्दा रहा है, तो 21वें का आप उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, तो 21वें का उत्तर होगा इसबपुर गांव। क्या है, इसबपुर गांव आपका सही उत्तर होगा, और इसबपुर गांव में बांग्लादेश की पहली लॉय एस की खदान की खोज की गई। आइए, 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में उत्तर पश्चिम अफ्रीकी देश मारिटानिया में विगत 60 वर्षों में पहली बार चुनाव कराया गया, तो अब देखिए आपके दो प्रश्न बनते हैं, किस अफ्रीकी देश में 60 वर्ष बाद चुनाव कराया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा, मारिटानिया, क्लियर। अब पूरा पढ़ लीजिए, इस देश ने लगभग 60 वर्ष पूर्व किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त की थी बताइए, तो यह 60 वर्ष पूर्व अगर हम लोग देखें तो यह फ्रांस का हिस्सा था, और फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था और अफ्रीका देश है, और 60 वर्ष बाद इसमें चुनाव कराए गए हैं। आइए, 23वां, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आरबीआई का पुनः डिप्टी गवर्नर बनाया गया, ध्यान रखिएगा डिप्टी गवर्नर पुनः बने हैं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। 23वें प्रश्न का उत्तर करिए बताइए, तो 23वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एन एस विश्वनाथन, एन एस विश्वनाथन आपका सही उत्तर होगा। 24वें प्रश्न का उत्तर करिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में किस परियोजना के निर्माण कार्य की अवधि 2 वर्ष आगे बढ़ा दी, तो पहले तो ये देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है, निम्न में से कौन सी परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है बताइए। 24वें का उत्तर दीजिए, तो 24वें का उत्तर होगा आपका, हाँ,
पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना, अब इसके बारे में डिटेल निकाल लिया गया कि कहाँ बन रही है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण परियोजना है और बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं में आपसे पूछी जा सकती है। क्या है? पोलावरम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आइए, आईसीसी ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में वन डे फॉर चिल्ड्रन नामक अभियान का आयोजन करने का निर्णय लिया था? जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ है, उस वर्ल्ड कप में आपने देखा था कि एक अभियान चलाया गया था #OneDayForChildren, और ये किसके साथ था? यूनिसेफ के साथ था। यूनिसेफ और आईसीसी की ये संयुक्त पहल थी। यूनिसेफ आईसीसी की ये संयुक्त पहल थी। आइए 26वें प्रश्न को देखते हैं। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHRC द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में कितने बलात् विस्थापन के शिकार हुए? 70.8 मिलियन। 70.8 मिलियन आपका इसका सही उत्तर होगा, पूरे विश्व में, है ना? कितने बलात् विस्थापन के शिकार हुए? तो आप कहेंगे 70.8 मिलियन। आइए 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी मलेरिया के शून्य मामलों वाले 5 देशों की सूची में कौन सा देश शामिल नहीं है? 28वां प्रश्न है आपका यहाँ पर। हाल ही में न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? आप बताइए 28वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। व्यक्ति विशेष में मैंने आपको प्रश्न लिख के भेजा है, तो आप देखिए आपका उत्तर होगा तेलंगाना उच्च न्यायालय। क्या होगा? तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राघवेंद्र सिंह चौहान ने शपथ ग्रहण की। आइए 29वां प्रश्न है आपका। माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी किताब है? मैंने पिछले रटलों में आपसे प्रश्न डिस्कस किया था, बताइए माई लाइफ माई मिशन किसकी किताब है? तेजी से उत्तर करें, बाबा रामदेव की। किसकी किताब है? बाबा रामदेव की। ये इनकी किताब है, माई लाइफ माई मिशन इनकी आधिकारिक आत्मकथा है, आधिकारिक ऑफिशियल बायोग्राफी है इनकी। 30वां प्रश्न, भारत के पंकज आडवाणी ने 35वीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में किस देश के थनावत तिरपोंग पेमून को पराजित कर खिताब पर कब्जा कर लिया? बताइए किस देश के है थनावत तिरपोंग पेमून को पराजित कर खिताब जीत लिया? बताइए 30वें प्रश्न का सही उत्तर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो ये होगा थाईलैंड, आपका सही उत्तर होगा यहां पर। ये थाईलैंड के हैं, कहां के हैं? थाईलैंड आपका सही उत्तर होगा। आइए 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले खाड़ी देश का क्या नाम है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ गोमाल एप्लीकेशन को अपनाया? गोमाल एप्लीकेशन को अपनाया, बताइए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गोमाल एप्लीकेशन को अपनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। आइए 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय पाक कला विशेषज्ञ को भारतीय व्यंजन के सीजर और राष्ट्र के लिए स्वाद निर्माता जैसे विशेषणों से नवाजा गया है? आप अच्छे से जानते हैं इनका नाम, तेजी से नाम बताएं, आप अक्सर इनको टीवी और कार्यक्रमों में देखते रहते हैं। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका जसपाल इंदर सिंह कालरा। जसपाल इंदर सिंह कालरा, टीवी पर कई ऐसे खाने पीने से संबंधित कार्यक्रम होते हैं जिन पर अक्सर जसविंदर सिंह जी आपको दिख जाते हैं, ठीक है। एक और ऐसे ही जाना पहचाना नाम है जिसको आप लोग जानते हैं, संजीव कपूर, है ना? तो खाने पीने में कम ही नाम चर्चित है जिनमें से एक है जसविंदर सिंह कालरा। आइए हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस प्रश्न को आपको डिस्कस कर चुका हूं, किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? बताइए 33वें प्रश्न का सही उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आइए ये आपका डी आपका सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला नेत्र विशेषज्ञ निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने लेजर फोटो लैक्टिव मोतियाबिंद सर्जरी के लिए लेजर फेक्टो प्रोब का पेटेंट कराया है? बताइए आप बताइए 34वें का सही उत्तर क्या है, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है। तो 34वें का सही उत्तर हो गया आपका पैट्रिसिया वाथ। पैट्रिसिया वाथ 34th का आपका सही उत्तर होगा 34वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों के उत्तर कम आ रहे हैं, तेजी से करें। करंट एक महत्वपूर्ण भूमिका में है आगामी 3 परीक्षाओं के लिए, इसलिए थोड़ा सा तेजी लाएं आप अपने उत्तरों में। आइए आज रैपिड फायर है इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूं, केवल आंसर साफ से ले रहा हूं, ठीक है। हाल ही में एंसेफलाइटिस सिंड्रोम से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है, इसका मुख्य प्रभाव निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक है? बताइए
पटना, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, है ना। बिहार की ये बात की गई है और बिहार वाले इसका उत्तर दे कि बिहार में किस जिले में ये जो है घटना सबसे ज्यादा देखी जाती है, अगर हम लोग देखें 35वें प्रश्न में, तो आपका सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर, है ना। और उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हमेशा इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, लेकिन इस बार अगस्त और सितंबर आने को है, बहुत अच्छे से इन चीज़ों पर इस बार कंट्रोल किया गया है। आइए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बड़ी अप्रिय खबर यहां से नहीं आई है। संसद में पेश किए गए आपदिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है। मैं इस प्रश्न को आपको डिस्कस कर चुका हूं और मैंने नोट्स में भी ये प्रश्न आपको दिया है। बताइए 36वें का सही उत्तर आपका क्या होगा, नागालैंड। मैंने आपको बताया था किसका सही उत्तर आपका क्या है, बताइए नागालैंड इसका सही उत्तर होगा। आइए 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर किस देश के जंगल को जीवित इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मध्य अमेरिकी देश अल सलवाडोर। अल सलवाडोर के जंगल को बताइए क्या हुआ, जीवित इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अच्छी बात है, पर्यावरण की दिशा में एक अच्छा कदम है। 38वें प्रश्न को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, 38वां प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहला चालक दल किस स्थान पर लैंडिंग करके वापस धरती पर सुरक्षित लौटने में कामयाब हुआ। कजाकिस्तान। क्या उत्तर होगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। 13-14 जून 2019 के मध्य संघाई संयुक्त संगठन SCO के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की 19वीं बैठक कहां संपन्न हुई, बताइए 19वीं बैठक कहां संपन्न हुई, विस्केक में। इसको आपको हल करा चुका हूं, पहले रटलों का पहला प्रश्न था जहां पर मैंने गलती से 19वीं की जगह 18वीं बैठक कह के संबोधित कर दिया था, उसका आप यहां पर करेक्शन भी कर लेंगे। और इसका सही उत्तर आपका क्या है, विस्केक है। क्या है, विस्केक इसका सही उत्तर होगा आपका। चलिए 40वां प्रश्न, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा फुटबॉल विश्व कप में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस प्रश्न को मैं आपको दो बार हल करा चुका हूं और जब मैं आपको खेल पढ़ा रहा था मैंने इस प्रश्न को आपको बताया भी था। आप लोग इसका सही उत्तर करें, बताइए 40वें का सही उत्तर क्या होगा, मार्ता डा सिल्वा, है ना, मार्ता। और ये 6 बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रह चुके हैं, 6 बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ही रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, मार्ता डा सिल्वा। मैं इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP के कार्यकारी निदेशक का पद ग्रहण किया, कार्यकारी निदेशक का पद ग्रहण किया। 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन ने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक का पद ग्रहण किया, ध्यान रखिएगा। आइए 42वां प्रश्न है आपका, फ्रेंको जेफिरेली की निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ने चित्र श्रेणी, सिनेमेटोग्राफी और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किए। ऑस्कर अवार्ड अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे और ये ऑस्कर से प्रश्न है, मैं कह रहा हूं कि मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा नहीं की थी, लेकिन आप देखिएगा इसका सही उत्तर है रोमियो और जूलियट, है ना। तो रोमियो और जूलियट फिल्म ने चित्र श्रेणी में, सिनेमेटोग्राफी में और क्या कॉस्ट्यूम डिजाइन में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था। आइए 43वां प्रश्न देखिए, आइए 43वें प्रश्न पर बात करते हैं। 19 जून 2019 को भाजपा सांसद ओम बिरला जी सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैंने ओम बिरला जी से संबंधित जब आपको चर्चित व्यक्ति दिए थे तो मैंने एक पूरा PDF दिया था जिसमें पूरी जानकारी मैं संवैधानिक प्रावधानों के साथ मौजूद थी, उन प्रावधानों को पढ़ के आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। क्या लिखा था यहाँ पर बताइए, ओम बिरला जी राजस्थान राज्य के जोधपुर से संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य है, गलत, क्योंकि ये जोधपुर से नहीं है, कोटा से है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93-93 में वर्णित है, बिल्कुल सही है। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, गलत है। चौथा, कोई धन विधेयक है कि नहीं है इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, सही है। तो आपके बताइए कौन सा सही है, तो आप कहेंगे 2 और 4 आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है और 1 बार जो 3 है वो क्या है, गलत है। देखिए करंट को बेसिक के साथ पूछ लिया गया है आपसे। चलिए 44वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की 125वीं वर्षगांठ
के अवसर पर किस देश के लॉसेन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? बताइए 44वें प्रश्न का उत्तर, आप लोग देखिए कि 44वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो 44वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका स्विट्जरलैंड। क्या होगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आपने देखिए ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। आइए 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ चलिए तेजी से। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मलेरिया परजीवी के शरीर में एक अनुवांशिक अनुक्रम की पहचान की है? बताएं। हाँ, अनुवांशिक अनुक्रम की पहचान की किस संस्थान में संभव हुआ? 45वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप कहेंगे ICMR जबलपुर, ICMR जबलपुर। 46वां प्रश्न, किस राज्य के वैज्ञानिकों ने अगस्त पहाड़ियों में पाए जाने वाले औषधीय पौधे आरोग्य पाचा के अनुवांशिक बनावट को डिकोड किया है? बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगस्त पहाड़ियों में पाए जाने वाले औषधीय पौधा कौन? आरोग्य पाचा के अनुवांशिक बनावट को डिकोड किया है। 46वें प्रश्न का उत्तर आपका क्या है बताइए? तो 46वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा केरल। क्या होगा? केरल, है ना, केरल यहां पर आपका सही उत्तर होगा। 47वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस राज्य उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपूर्ण पशु जगत को विधिक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त की है? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। कहां पर? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। पर्यावरण को लेकर, जीव जंतुओं को लेकर, संरक्षण को लेकर हम लोग जो है तेजी से क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं और इस दिशा में नए नए मानक स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। 10 से 16 जून 2019 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन 2019 का खिताब किसने जीता? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर चार आपके ऑप्शन है। 48वें प्रश्न का सही उत्तर आप लोग करें, खेल से जुड़ा हुआ है और नोट्स में मैंने आपको दिया भी है। गैरी वुडलैंड आपका सही उत्तर होगा 48वें का। 49वें प्रश्न को लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एटलस लॉन्च किया है? इस प्रश्न को भी मैं आपको रटलो में डिस्कस कर चुका हूं। 49वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। बाढ़ प्रबंधन के लिए एटलस किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है जारी किया गया? 49वां प्रश्न आपका है। सही उत्तर आप लोगों का 49वां प्रश्न का होगा उड़ीसा। उड़ीसा, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बीजू जनता दल के नवीन पटनायक। आइए 50वां प्रश्न। बैडमिंटन प्रतियोगिता स्पेनिश इंटरनेशनल 2019, मैंने इस पर भी आपसे बात की है, स्पेनिश इंटरनेशनल 2019 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका उत्तर होगा कुनलावुत। ए आपका सही है यहां पर, कुनलावुत वितित तरसन, कुनलावुत वितित सरन, है ना। आइए 91वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आइए अगला प्रश्न है आपका। टेनिस प्रतियोगिता रॉस मालिन ग्रास कोर्ट चैंपियनशिप 2019 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका सही उत्तर होगा एलिसन रिस्के। क्या होगा? एलिसन रिस्के आपका यहां पर सही उत्तर होगा। आइए 92वें प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। 92वां प्रश्न है यहां पर, 92वां प्रश्न है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जनरल का क्या नाम है जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले ही त्याग पत्र दे दिया? तो इसका सही उत्तर होगा वी आचार्य, विरल आचार्य। क्या होगा? विरल आचार्य आपका सही उत्तर होगा। अभी मैंने नए डिप्टी गवर्नर जनरल के बारे में बात की थी, गवर्नर के बारे में, और पुराने कौन थे? विरल आचार्य। हाँ, एन एस स्वामीनाथन को फिर से। नेपाल में काठमांडू घाटी तथा उसके नेपाल में काठमांडू घाटी तथा उसके साथ लगे कई बड़े निजी स्कूलों ने अपने विद्यार्थियों के लिए कौन सी भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया है? बताइए 53 का आंसर आप लोगों का क्या होगा, तेजी से उत्तर करें। तो 53 का आंसर होगा मंदारिन। देखिए मंदारिन या भंडारिन ये चाइनी भाषा है और ये विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ना, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आइए 54वें प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, हाल ही में जर्मनी में संपन्न पुरुष प्रतियोगिता मर्सिडीज कप 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? बताइए। तो आपका सही उत्तर 54वें का क्या होगा बताएं, 54वें का सही उत्तर होगा, हाँ, पहला मैटियो वर्टिनी, मैटियो वर्टिनी, थोड़े से कठिन नाम है, याद रखिएगा। 55वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर
12वें मुंबई मेयर्स कप इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 2019 के श्रेणी ए खिताब किसने जीता, बताइए। 55वें प्रश्न का उत्तर करिए आप लोग तेजी से। तो 55वें प्रश्न का उत्तर आपका सही होगा फारूक अमोनातोब आपका सही उत्तर होगा। 56वें प्रश्न का सही उत्तर करिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के संयुक्त रूप से उत्पादन के लिए जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से किस उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया, इस पर एक बार पूरी इस टैग पर चर्चा करनी है मुझे आपसे, फिलहाल अभी देखते हैं। तो यहाँ पे बताइए 56वें का सही उत्तर आपका क्या होगा, तो 56वें का सही उत्तर होगा कोल्हापुरी चप्पल, है ना, कोल्हापुरी चप्पल महत्वपूर्ण है। आइए, कोल्हापुरी चप्पल को मिला है। लोमड़ी जैसी दिखने वाली बिल्ली कैट फॉक्स की एक नई प्रजाति हाल ही में किस स्थान पर पाई गई, लोमड़ी नुमा बिल्ली जैसी, जिसकी शक्ल लोमड़ी जैसी है, जिसकी बनावट लोमड़ी जैसी है। 57वें का सही उत्तर आप लोग करिए तेजी से। तो 57वें का सही उत्तर होगा उत्तरी कोरिया, है ना, उत्तरी कोरिया। आइए 58वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न MSRA 76वीं राष्ट्रीय स्वेक्स चैंपियनशिप 2019 के महिला वर्ग, देखिए इसमें सारे खेल को कंप्लीट किया गया है ना, साथ चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, जहां से भी प्रश्न बनने की संभावना हो, इसमें लगभग लगभग प्रैक्टिस के लिए सारे प्रश्नों को आपके रखा गया है। अब आप इस प्रश्न को पूरा पढ़िए। हाल ही में संपन्न एमएसआरए की 76वीं राष्ट्रीय स्वेक्स चैंपियनशिप 2019 के महिला वर्ग का खिताब रिकॉर्ड 7वीं बार किसने जीता है। 58वें प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों का क्या होगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंजलि सेमवाल, क्या होगा आपका अंजलि सेमवाल, इसका आपका सही उत्तर होगा। चलिए हाँ, 59वें प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। 59वां प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान पहुंचने पर किसानों के लिए 5,000 रुपए न्यूनतम मुआवजा तय किया है। तो इसका सही उत्तर है आपका, बताइए किस राज्य ने, तो यहां पर मध्य प्रदेश राज्य ने, किस राज्य ने, मध्य प्रदेश राज्य आपका सही उत्तर होगा। 60वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा वार्षिक युवा पुरस्कारों की घोषणा की गई और इसमें हिंदी के किस लेखक को इस पुरस्कार हेतु चुना गया, बताइए। तो आपका सही उत्तर होगा अनुज लुगुन को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए 61वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न फेमना मिस इंडिया 2019 के खिताब की विजेता कौन है, तेजी से आंसर करें, बताइए। यह प्रश्न अभी जो है जिले की सुर्खियों में रहा है, बताएं। तो क्या होगा, सुमन राव, सही उत्तर क्या है आपका, सुमन राव। आइए 62वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम यह विषय क्या था, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, योगा विथ गुरुज। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बाई नहीं था, विथ था, योगा विथ गुरुज। आइए 63वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहां पर लिखा है वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को लगातार दूसरी बार घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि जीडीपी पर लगातार हाहाकार मचा हुआ है और इस समय जो है जीडीपी पर भारत का अर्थशास्त्र भी थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। 5% की जीडीपी अभी आप सुन रहे हैं मीडियम। तो यहां पर देखिए इसका सही अनुमान जो फिच ने दिया था वो दिया था 6.6%, लगातार दूसरी बार घटाया था 6.6%, इसके अकॉर्डिंग सही उत्तर होगा। आइए हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2019 जारी किया गया। भारत का स्थान 141वां था, बिल्कुल सही है, इसमें 163 देश थे, सही है पहला। इस सूचकांक में डेनमार्क को गलत, ये पहला गलत है, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान पर नहीं था। तो आपका सही उत्तर होगा दूसरा और तीसरा आपका सही उत्तर होगा। आइए 65वें प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। किस बॉलीवुड एक्टर ने उत्तर प्रदेश में आंख की बीमारियों के बचाव को लेकर अभियान सी नाव, तो अगर आपसे कहा जाए सी नाव किससे हम संबंधित है, तो सी नाव आंख की बीमारियों से बचाव का एक अभियान है जिसको अमिताभ बच्चन द्वारा उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। किसके द्वारा, अमिताभ बच्चन द्वारा लागू किया गया। 65वां 66वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN की द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए
किस वर्ष तक विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, तो आपका सही उत्तर होगा 2027, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक हम विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश हो जाएंगे। आइए 66 निम्नलिखित में से हाल ही में किस भारतीय जनता पर हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष तो अभी भी अमित शाह ही है, लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो जेपी नड्डा साहब को नियुक्त किया गया है, जेपी नड्डा साहब को। आइए 68वां प्रश्न है आपका, किस खेल संगठन ने अपना नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स करने की घोषणा की। महत्वपूर्ण प्रश्न है 68वां, बताइए किस खेल संगठन ने अपना नाम बदलकर, हाँ खेल से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 68वां, किस खेल संगठन ने अपना नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स करने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। आइए विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया, बताइए माउंट एवरेस्ट। अब इससे ऊंचा क्या होगा, माउंट एवरेस्ट आपका सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहां स्थापित किया गया, बताइए माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया है। आइए अगला प्रश्न है आपका 60वां, जून 2019 को गोवा मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया गया, बताइए कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया, 10%, लेकिन ये EWS से अलग था, है ना, 10%। आइए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पाकिस्तान के सरकार द्वारा ISI का नया चीफ नियुक्त किया गया, तो इसका आपका उत्तर होगा फैज हमीद। क्या उत्तर होगा आपका, फैज हमीद। आइए अगला प्रश्न है आपका 72वां प्रश्न, यहां पर लिखा है DRDO द्वारा हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल जिसकी अभी चर्चा की थी का सफल परीक्षण किया गया, इसकी अधिकतम गति क्या अपेक्षित की गई है, तो आप कहेंगे Mach 6, इसकी अधिकतम गति क्या है, Mach 6 अपेक्षित की गई है, है ना, 72वें का सही उत्तर का Mach 6। आइए 73वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गुजरात के लोथल के प्राचीन भारतीय स्थान पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना और भारत और कौन सा देश मिलकर काम करेगा, तो भारत और पुर्तगाल देश मिलकर काम करेगा, भारत और पुर्तगाल। गुजरात के लोथल में आप जानते हैं IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रमुख केंद्र है, भारतीय स्थान पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना में भारत और पुर्तगाल एक साथ मिलकर काम करेंगे। आइए 74वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है केंद्रीय यातायात और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने बताया कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तर एवं दक्षिण सुरों को जोड़ने के लिए कितने नए पुल बनाए जाएंगे, आपका उत्तर होगा 2 नए पुल और बनाने की घोषणा यहां पर की गई है। आइए 75वां प्रश्न, निम्नलिखित इसमें से किस नाम से स्पेस वॉर से निपटने हेतु एजेंसी बनाई जाने की घोषणा की गई है, और इसका आपका सही उत्तर है DSRO, सही उत्तर क्या है DSRO। तो यहां पर ये 75 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त हुई है। जैसे कि आपको मालूम है UPSI में एडमिशन लगातार चल रहे हैं, आप इस नंबर पर एंट्री भेज के एडमिशन देखे लिख सुनिश्चित करा सकते हैं। यूपी टेट का नया बैच 6 तारीख से प्रस्तावित है, और बिहार के जितने भी लोग देख रहे हैं नीचे कमेंट करें, बिहार SI के लिए भी संस्थान की अपनी एक योजना है, जल्दी बिहार SI की योजना आपके सामने होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें, पढ़ते रहें, थैंक यू सो मच।